हम कलाकार ऐसी कहानियों के लिए ही भूखे होते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि यू नो कुछ ऐसी कहानियाँ हो, ऐसी स्टोरीज हो जो हम ऑडियंस तक पहुँचाएं। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि मुझे ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिला जो एक प्रोटैगनिस्ट है ऐसी कहानी को लेकर। सो चैलेंजिंग तो था ही, बट मेरे ख्याल से डायरेक्टर और राइटर और उन लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इसे किस तरह एक एंटरटेनिंग फिल्म की तरह इसे प्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, दर्शाया जाए। मुझे लगता है कि फिल्म में एक लाइन जो है इन्होंने बोली कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं सोशल मुद्दे पे, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि सोशल मुद्दे के साथ बना उसको एंटरटेन ऑडियंस को करते रहना। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम एंटरटेन भी कर रहे हैं आपको बराबर, और सोशल मैसेज भी दे रहे हैं, और इट इज़ अ सटायर ऑफकोर्स आई वुड से। और ये जैसे अभी हमारे यहाँ आयत इकबाल जी आए थे, उनकी कहानी है, ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में जो कोई इंदौर में कुछ लोग हैं, कुछ रायपुर में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ मुंबई में हैं, जो लोग लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करवाने काम करते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है जी, बोलना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रोड्यूसर साहब का थॉट था हमारे आदित्य वर्मा की इससे फिल्म बनानी है। तो इन्होंने जब मुझे एक्चुअली बताया, एक बात इंसिडेंट था आपको, इन्होंने जब कहा कि फिल्म बनानी है, मैंने कहा क्या बनानी है, ये बनानी, तो बहुत ही मतलब मैं क्या बनाऊँ, मैंने टीम से बात की क्या बनाऊँ, तो फिर हमने कहा चलो बनाते हैं, प्रोड्यूसर सामने से बोल रहा है फिल्म बनाओ। तो फिर वो शुरुआत हुई, फिर हमारी टीम आई, हमारे राइटर्स टीम विकास गिरी जुड़े, हमारे एक और मित्र राइटर वो है नहीं, अनुराग द्विवेदी, गाने बहुत अच्छे है ना, गाने भी उन्होंने लिखे हैं। और फिर सिलसिला बढ़ा, हम लोग बनाते गए। फिर मुश्किल था कि कास्टिंग, सबसे बड़ा काम कास्टिंग। तो हम लोग ऑफकोर्स, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, बहुत लोगों के पास गया, उनको सुनाया बताया, बात नहीं बनी। छोटे प्रोड्यूसर हम, डायरेक्टर भी नया हूँ मैं, बजट बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी फिल्म है, बहुत महंगी फिल्म नहीं है। अब मेरे कास्टिंग एजेंसी ने जो है मुझे कैसे भी कनेक्ट कराया इनको जब सब मुद्दा पहुँचा सब्जेक्ट, तो इनका पहला ये कॉल था नेक्स्ट डे कि आई वांट टू मीट द डायरेक्टर, डायरेक्टर से मिलना है मुझे। मैं जब मिला, इन्होंने कहा बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मैं करना चाहूँगा, बट इनके सजेशन हैं कि ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं, मैंने ठीक है। बट इन्होंने फिल्म की, जान में जान आई थोड़ी, और बात बढ़ी, फिर मनोज जी आए, फिर ब्रिजन काला आए, फिर वो सिलसिला बढ़ता गया और आज फिल्म बना दी। आपको अच्छा लगा, आई होप आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा? आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हम अलग कहानी है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको रिलेटेबल, आपने मतलब ये कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारी कहानी कोविड से रिलेटेड नहीं है, ये मैं क्लियर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यू नो आप लोगों को देख के ऐसा शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कोविड के बाद ऐसी सिचुएशन हुई थी तो उसके रिगार्डिंग है, बट ये जनरली ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिनकी बॉडीज क्लीन करने कोई नहीं आता। और मेरा ये मानना है पर्सनली, जब मैंने ये कहानी भी सुनी थी, कि हर इंसान को उतना हक ज़रूर होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उसका खुद का अंतिम संस्कार किस तरीके से हो, कैसे हो, उसकी मर्ज़ी का हो। तो ये बात मतलब सोसाइटी में हमारे इशू है, जो आप स्टेटिस्टिक्स अगर उठा के देखेंगे, जो हमने फिल्म में दिखाई है कि आंकड़े जो हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे कि ये कितना बड़ा इशू है एक्चुअली। मैं एक बात बोलूँगा, हमारे सरकारी जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग भारत में 40,000 से ज़्यादा लाशें लावारिश पाई जाती हैं। अमेरिका जैसे देश में 60,000 लाशें लावारिश पाई जाती हैं हर साल। ये वो आंकड़ा है जो पेपर पे है। अब आप सोचो पेपर पे 60,000 है, 40,000 है, तो एक्चुअल में कितना होगा? तो ये कहानी बेसिकली लावारिश लाशों की कहानी है कि, और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि लावारिश लाश का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई है नहीं। ऐसा भी होता है कि लोगों के बच्चे हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता है तो लावारिश लाश की तरह रह जाते हैं। तो ये पूरी फिल्म आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम उनको पूरी कहानी नहीं बताते, नहीं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं। आप सब लोग ट्रेलर के माध्यम से विषय तो जान चुके हैं कि क्या विषय है, और आज इस मीडिया के सामने मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर जो भी कलेक्शन होगा इस फिल्म का, उसका 10% संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी इस तरीके की लावारिश लाशों की सामाजिक संस्थाएं हैं उनको हम सहयोग करेंगे उस राशि का। तो इस बात को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को पहुँचाएँ और
जन जन तक ये खबर पहुंचे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग 26 मई को थिएटर में आए। थैंक यू। बहुत बढ़िया 26 मई को। अभी ये जनरली तो पूरी पिक्चर आपको मल्टीप्लेक्स में देखने को मिलेगी, सेंटर अभी रिलीज तो इसकी काफ़ी बड़ी है, हमने फिलहाल अभी 250 सेंटर प्लान किए हैं, बट अभी मैं डिसाइड करूँगा रात में, इसके काफ़ी सारे सेंटर और बढ़ेंगे, सारे मल्टीप्लेक्स में पूरा प्लान कर रखा है। रिलीज इसकी काफ़ी अच्छी है, एडवांस बुकिंग भी काफ़ी जगह से ओपन है, आपको देखने को आगे 26 तारीख को मिलेगी, यही बोल सकता हूँ। मैं आप देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि फिल्म पूरी सेंटी है, ऐसा नहीं है भाई, पूरा मजा लें। विकासगिरी फिल्म में आया है, ऐड हुआ तो मैं कॉमेडी वाला बंदा हूँ तो ह्यूमर भी बहुत है, पहले हंसोगे फिर रोओगे, तो मैसेज है, बहुत सी चीज़ें हैं। रोहन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आदित्य वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिल्म बनाई ओमकर भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, और सुधीश कन्नौजी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, और विकासगिरी क्या कमाल के डायलॉग लिखे। अच्छा मैं एक सवाल आपको सच बताना, टेलर कैसा लगा है? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए फिल्म का, कि आप सपोर्ट करोगे पिक्चर को, आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। आप लोगों के कुछ और सवाल भी होंगे, अगर कोई सवाल है किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी जी, इसीलिए अलग अलग तरीके की फिल्में की हैं, अलग अलग कहानियाँ की हैं, बिकॉज एज अ एक्टर, एज अ अभिनेता, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग किरदार करूं, कुछ अलग अलग कहानियाँ, ताकि ऑडियंस भी थोड़ी सरप्राइज रहे, यू नो कि यू नो ओंकार ये भी कर सकता है, या इस तरह की कैरेक्टर में भी दिख सकता है, तो ये थोड़ी रियलिस्टिक कहानी थी, इसलिए मुझे लगा कि मैंने अभी तक एक यू नो मैंने कुछ रोम कॉम्स फिल्में की हैं, जैसे प्यार का पंचनामा हो गई या झूठा कहीं का हो गई, तो मुझे लगा ये फिल्म मेरी फिल्मोग्राफी में, मेरी बायोग्राफी में थोड़ी अलग रहेगी हमेशा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी कहनी चाहिए मुझे। ऐसा जीत आया पीवीआर से, जी एक्चुअली हम कुछ दिन पहले एक्चुअली पहुँचे थे, कुछ लोगों से इन्होंने मुझे मिलवाया, जैसे आप लोगों ने अंदर इकबाल जी को आप मिले, तो उनसे थोड़ी, हर एक्टर जो एक रिसर्च करता है अपने कैरेक्टर को एक बारे में, तो वो चीज़ें थी ज़रूर, कुछ नॉलेज थी, इन्होंने मुझे काफ़ी यू नो स्पॉटलाइट डाला उन चीज़ों पे कि ये इश्यूज़ हैं, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था जब मैंने कहानी सुनी थी, इसलिए मैंने जब यू नो सिनॉप्सिस पढ़ा था तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग है कहानी, और ये रियल इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, तो हाँ इसीलिए मैंने डेफिनेटली एज ए एक्टर रिसर्च करी। थैंक यू एवरीवन, सबके सवाल पूरे हो गए। मई को रिलीज होगी थिएटर्स में, सिनेमाघरों में, ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए, इसमें सोशल मैसेज भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम एक छोटी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, इस फिल्म की का मैसेज बहुत बड़ा है, और अगर हम समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हमें लगेगा कि हम कामयाब रहे, और आई थिंक इस तरह की फिल्में, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गया या केरला स्टोरी हो गई, तो हमारी भी फिल्म को उसी तरीके से अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लगता है हम भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, तो आप लोगों की सपोर्ट की, ऑडियंस की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। साथ में बैठ के देखिए, क्योंकि आज कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ही बनती हैं, और कंटेंट ही बहुत बड़ा स्टार है, तो इस फिल्म का कंटेंट बहुत बड़ा स्टार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं, विजेंद्र कालरा है, और उमर तिरछी उमर के साथ एक सत्य अपने सामने हमें दिखेगा, इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी है, आप ज़रूर देखें, और लावास्ते को आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को भी कहें कि ये फिल्म ज़रूर देखें, कि आज लावास्ते जैसी फिल्में समाज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।
एक अच्छा प्रमोशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छा मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। मैं कुरुश देबू, आप सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार मुन्ना भाई MBBS से जानते हैं। मैंने यहाँ भी एक डॉक्टर का किरदार किया है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट का किरदार किया है, और जो मेन प्रोटागनिस्ट है उसके साथ मेरा मेन रोल है। तो आई रियली एन्जॉयड माई कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी टीम के साथ मुझे काम करने का अच्छा लगा। मनोज भाई जोशी के साथ भी मैंने काम किया इस फिल्म में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छी फिल्म बनती है तो उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर रिलीज़ होना ज़रूरी है, और मीडिया का साथ होना ज़रूरी है। तो ऐसी अच्छी फिल्म के लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग का सपोर्ट रहे, और मेरा किरदार भी इसमें अच्छा है, बहुत ही सीरियस किरदार है, कॉमेडी नहीं है। तो ये फिल्म में जुड़े रहने से मुझे भी बहुत एक अच्छा फीलिंग्स हो रहा है कि एक अच्छी फिल्म के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। लावास्टे एक बेंचमार्क फिल्म है, याद रखिए, अगर ये फिल्म ऑडियंस थिएटर में देखने जाएगी तो छू लेगी, और ये फिल्म उनके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो दो घंटे की फिल्म देखी, एंटरटेनमेंट किया, भूल गए, नहीं, ये झंझोड़ के रख लेगी। लावास्टे ऐसी फिल्म है, तो ऐसी फिल्म ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगी, और आप सबका सपोर्ट से हम ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ज़रूर ले जाएंगे। की फिंगर्स क्रॉस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। लावास्टे के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ प्रोमो में देख लिया और सब ने बहुत कुछ बता दिया। बहुत ही एक सीरियस मैटर है ये, हमारे समाज में ऐसा भी होता है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए, लेकिन एक ऐसी टीम जो ऐसा काम कर रही है उसके ऊपर एक ये फिल्म बन गई है, और बड़े अच्छे तरीके से कहानी को कहा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना इमोशनल ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इतने आसानी से, इतनी सरलता से पेश किया गया है कि आप लोग इन्जॉय करेंगे जो भी इसको देखने वाला है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आप लोगों से रिक्वेस्ट तो की है, वो तो आप अपना धर्म निभाएंगे ही, लेकिन हाँ, ये अच्छी फिल्म, इनको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं दर्शकों से जो देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ जाइए सिनेमाघरों में, अपनी फैमिली के साथ जाइए। ये फिल्म में आप आंखें नम तो होंगी, लेकिन आपको गुदगुदाती भी रहेगी ये फिल्म। इसको सिर्फ एक सीरियस सिनेमा समझ के ना देखें, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है। ये मैं डायरेक्टर साहब को इसका मैं श्रेय देता हूँ, राइटर्स जो हमारे डायलॉग राइटर गिरी जी, इन्होंने क्या अच्छे तरीके से बनाया। मैं अगेन उसमें अपने बारे में बता दूँ, मैं कॉप ही हूँ, बहुत बार कॉप देखा गया है मुझे, मेरी शक्ल वकल सब वैसा ही है, लेकिन मेरे को भी थोड़ा डायलॉग्स ऐसे मिले इसमें बोलने के लिए जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे भी। और मैं खैर अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा हूँ, और बस थैंक यू सो मच, जय हिंद। जैसे हमें पता चला कि लावास्ते एक मूवी आ रही है, यानी कि हम लास्ट के लिए हम हैं और ये एक मूवी आ रही है, तो ऐसा लगा जैसे ये मूवी नहीं है, ये एक एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी है, या जो हम ये काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, इस मूवी को इस माध्यम से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे कि एक क्रियाक्रम करते हैं तो उसकी कितना महत्व, कितना इम्पोर्टेंस है उसका। और हम बहुत खुशी है, हमारे पास शब्द कम है कहने के लिए जो किरदार है, जिन्होंने काम किया है, या हमारे इकबाल ममदानी जी हैं जिन्होंने ये इस कार्यक्रम को लीड किया है, हम तो साथ में रहे इसको करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे लिए इस मूवी को देखने के लिए, और मैं सबसे कहूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें और आगे बढ़ाएँ, खास करके मीडिया से, कि मीडिया ऐसा नहीं कि आज इन्होंने इस इवेंट को लिया है तो आगे बस एक बार उन्होंने किया इसकी रिपोर्टिंग और ख़त्म हो गई बात, इसको करते रहिए, ताकि ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर ऐसा हो रहा है, जहाँ इसकी इतनी संस्कृति ऐसी है, तो बाकी जगहों पे क्या होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी के माध्यम से लोगों के दिल में थोड़ी तो जगह बनेगी कि हमारे माँ बाप की क्या अहमियत होती है, या हमारे परिवारजनों की क्या अहमियत होती है, और उसके लिए आप कम से कम उसके अंतिम समय में साथ दोगे और उनका सही ढंग से क्रियाकर्म करोगे। धन्यवाद। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो फिल्म की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने चुना, ये वाकई में एक बहुत चैलेंजिंग है, खास करके पूरे समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए।
रही बात हमारे काम को लेकर के, तो मैं फिर वर्मा जी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस टॉपिक को उन्होंने देखा, हमसे बात की, खास करके सुदेश कनौजिया जी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनत करके इस फिल्म को उन्होंने समझा और बनाया। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। फिल्म में जो चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से पिता माता अपना खून जला करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और एक हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने बच्चे जो है उनसे ज़्यादा कामयाब बने, जिसको लेकर के वो देश विदेश में अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चों को लगता है कि शायद वो बहुत सुपीरियर हैं, उनके पास वक्त नहीं है अपने माता पिता के लिए। तो ज़मीन जिसकी जो होती है, शायद हम वो भूल जाते हैं और उसको लेकर के लगातार काम करते हैं। दूसरा, जो हम अपना जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, इसके साथ में हमने बताया कि कोविड पीरियड से लेकर के अभी जो हम लावारिस बॉडीज़ का जो काम करते हैं, तो हमारे पास ये लावारिस बॉडीज़ वो है जो हमारे शहर में बेचारे कहीं से काम करने आते हैं, कोई मांगने वाला होता है, कोई गरीब परिवार का होता है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो हम इसके साथ में उनका भी एक अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ कराते हैं। और लगातार मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये फिल्म के साथ में जो हमारी टीम जो हमारा काम कर रही है, इस तरीके से अलग अलग जगह, अगर राज्य में अलग अलग टीम खड़े होकर के इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट को पकड़ करके काम करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है हमारे देश में काफ़ी आसानी, कई गरीबों के लिए राहें आसान हो जाएंगी इनको काम करने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती भरा काम लोगों को लगता है, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हमने करना है, तो आप यकीन करिए ये काम आसान हो जाएगा एज ए टीम वर्क। मेरी फिर एक बार शुभकामनाएं पूरे फिल्म की टीम को, उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर्स को, कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। और मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि ये पता लगे कि माँ बाप की क्या कुर्बानी होती है, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बच्चे आज समाज में जाने के बाद भले ही वो किसी कंपनी के सीईओ हो जाए, किसी के कुछ अलग अलग स्टेटस पे वो चले जाए, लेकिन माँ बाप होते हैं आखिर। थैंक यू सो मच।